नमस्कार, आप हैं नशन भारत के साथ और आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुरुवार 19 दिसंबर को वाम पार्टियों द्वारा बिहार बंद किया गया था और इस बिहार बंद में कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन दिया गया था। आपको बता दें चले कि बिहार बंद के दौरान विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, रालोसपा, कांग्रेस, आरजेडी सबका इसे समर्थन प्राप्त था। आपको ये भी बता दी चले कि पटना की सड़कों पर बंद के दौरान जमकर उत्पात मचाया गया था। इसके बाद यहां पर पटना के कई थानों में पप्पू यादव और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुरुवार को वाम दलों ने बिहार बंद किया, जिसमें जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी ने समर्थन किया। इस दौरान जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव समेत कई नेता पटना की सड़कों पर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करते रहे। पुलिस और प्रशासन के लाख आगाह करने के बावजूद भी ये नेता सड़कों से नहीं हटे। शाम होते होते जिला प्रशासन ने पूर्व सांसद पप्पू यादव, सीपीआई नेता कन्हैया समेत कई नेताओं पर उपद्रव के आरोप में केस दर्ज करवा दिया। डाकबंगला चौराहे पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने कोतवाली थाना कांड संख्या 1113/19 के तहत आईपीसी की धारा 147, 149, 188, 291, 285, 341, 342, 323, 353, 504, 507 और 427 के तहत केस दर्ज करवाया गया। इसमें 20 नामजद और 200 से लेकर 250 अज्ञात लोग शामिल हैं। बंद के दौरान पप्पू यादव की पार्टी ने सड़कों पर जमकर गुंडागर्दी दिखाई। पप्पू यादव की जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान पटना में जमकर उत्पात मचाया। यही नहीं, जाप कार्यकर्ताओं ने एनआरटी के पास बस में जाकर तोड़फोड़ की और पटना कॉलेज के पास सड़क जाम कर यातायात प्रभावित कर दिया। इसे लेकर पीरभौर थाने में कांड संख्या 647/19 दर्ज किया गया। इसमें 147, 149, 341, 323 और 427 धारा के तहत 7 लोगों को नामजद और 40 से 50 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। यही नहीं, जाप कार्यकर्ताओं ने फ्रेजर रोड के सेंट्रल मॉल की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसे लेकर भी कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। साथ ही पटना शास्त्री नगर थाने में भी जाप कार्यकर्ताओं पर 2 केस दर्ज किया गया। पहला केस आशियाना मोड़ के पास बेली रोड जाम करने को लेकर हुआ। इस केस में 7 नामजद और 100 अज्ञात लोग शामिल है, जबकि दूसरा केस पुनाईचक के पास रोड जाम करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया। इस एफआईआर में 8 नामजद और 5 अज्ञात लोग शामिल है। पटना के सिटी एसपी सेंट्रल विनय कुमार तिवारी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रव फैलाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। सिटी एसपी ने दावा किया कि उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। बिहार के स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। बीएसईबी ने बीएसईबी स्टेट की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है और इसके तहत जनवरी में 2 पालियों में इसकी परीक्षा ली जाएगी। बिहार के स्कूलों में शिक्षक बनने की आस में बीएड की डिग्री हासिल कर चुके अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। अब ऐसे सभी अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं, क्योंकि बीएसईबी ने एसटीईटी परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। परीक्षा 28 जनवरी 2020 को 2 पालियों में ली जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 तक चलेगी और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:30 तक प्रारंभ होगी। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने जानकारी देते हुए कहा कि जल्दी परीक्षा केंद्र के साथ साथ केंद्र अधीक्षकों की भी सूची तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा राज्य के सभी जिलों में आयोजित होगी। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। सभी केंद्रों पर जैमर भी लगाए जाएंगे। इस परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा पहले ही बोर्ड ने 10 वर्षों की छूट दे रखी है, जिसकी वजह से पहले से उम्र को लेकर निराश बैठे अभ्यर्थी भी परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल हो सकेंगे। वही कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों की भी उम्र में सीमा में 8 वर्षों की छूट दी गई है। बीएसईबी ने परीक्षा तिथि की घोषणा के साथ ही अभ्यर्थियों को आवेदन करने का भी अतिरिक्त मौका दिया है। अब अभ्यर्थी एसटीईटी के लिए 20 से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इस तिथि के अंदर शुल्क भी जमा कर सकते हैं। 25 से 26 दिसंबर तक
त्रुटियों में सुधार का अतिरिक्त मौका मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड विधानसभा चुनाव आज यानी कि 20 दिसंबर को अंतिम चरण का चुनाव होना है और 23 दिसंबर को इसके मतों की गिनती होनी है, लेकिन नतीजों से पहले ही नेताओं में बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आखिरी चरण के चुनाव के पहले झामुमो प्रमुख झामुमो नेता हेमंत सोरेन को बधाई दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचवें व अंतिम चरण का मतदान 20 दिसंबर को संपन्न रहा। इसके बाद 23 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही नेताओं में बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आखिरी चरण के मतदान से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को बधाई दी है। तेजस्वी ने गुरुवार को ट्वीट कर हेमंत सोरेन को बधाई दी। बता दें कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हुआ है। जेएमएम 43, कांग्रेस 31 और आरजेडी 7 सीटों विधानसभा पर चुनाव लड़ रही है। वहीं वाम दलों को फिलहाल गठबंधन से अलग रखा गया है। बता दें कि अंतिम चरण में 20 दिसंबर को संथाल परगना की 16 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें से 11 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ, जबकि 5 सीटों पर मतदान दोपहर 3 बजे तक संपन्न हो गया। 23 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सामने आने हैं। जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपारा, पाकुर, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामतारा, दुमका, जामा, जरमुंडी, सारठ, पोरैयाहाट, गोड्डा और महागामा सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और शिकारीपाड़ा में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान रहा, बाकी पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ SC/ST थाने में मुकदमा दर्ज करा है। आपको बता दी चले कि हेमंत सोरेन ने यह आरोप लगाया है कि रघुवर दास ने चुनावी सभा में संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। यह मामला दर्ज कराने खुद वो थाने पहुंचे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ दुमका के SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। हेमंत सोरेन ने अपने आवेदन में ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 18 दिसंबर को जामताड़ा के मिहिजाम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है। उन्होंने इस सिलसिले में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। जेएमएम नेता खुद थाने पहुंचकर मामले को दर्ज करवाया। इधर रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि जामताड़ा के मिहिजाम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पार्टी इस बयान को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराएगी। बीजेपी नेताओं को लेकर हेमंत सोरेन के विवादित बयान पर सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद किस रंग के कपड़े पहनते हैं बीजेपी ये बताए, वही स्वामी नित्यानंद से भाजपा ने अपने रिश्ते आज तक नहीं तोड़े हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी। दुमका में उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि सार को समझने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश भर में बलात्कार की घटनाएं घट रही है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल के लोग क्यों नहीं बोलते, बतौर पूर्व CM उनका बयान इसी संदर्भ को लेकर था। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। आपको बताते चले कि बुधवार को पाकुर में हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग शादी कम करते हैं, लेकिन गेरुआ पहने बहु बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं। इस सभा में मंच पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। बीजेपी ने इस सिलसिले में बुधवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराकर हेमंत सोरेन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। और खबर बिहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।